फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता है टाइटल देख समझ गए होंगे, सनाया स्पीड पे हम लोग स्मूथ करने वाले फेस। तो चलो खोलते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अपने जो फोटो को स्मूथ करना है या एडिट करना है वो फोटो ले लीजिएगा। लेने के बाद आपको हेलिंग में जाना है। हेलिंग में जाने के बाद अपने फेस में जितना पिंपल है वहाँ पर टैप कीजिए, अपने आप वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। टैप करने पर जल्दी जल्दी हम लोग स्मूथ कर लेते हैं, टोटल पिंपल को हटा लेते हैं, हील कर लेते हैं। हीलिंग करने के बाद अपन डन करेंगे। डन करने के बाद टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद डिटेल्स में जाना है। डिटेल्स आपको बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद आपको डन करना है। डन कर लेते हैं। इसको जाते हैं ब्लर पे। ब्लर में जाने के बाद अपने हिसाब से देख लेना कितना स्मूथ करना है, कितना ब्लर करना है अपने फेस को, जिससे पिंपल्स गायब होने लगता है और फेस स्मूथ दिखने लगता है ब्लर करने के बाद। अपने व्यू एडिट में जाने के बाद वहाँ से चूज करना है, फिर अपने हिसाब से देख लेता हूँ कैसे मिला के। फिर व्यू एडिट करना है, वहाँ पर देख लीजिए अभी फेस मेरा ऐसा है। उसके चलो इसको स्मूथ करते तुरंत फट। पहले से हमारा फेस बेटर हो चुका है। अब चलो जल्दी से नेक को भी स्मूथ कर लेते हैं, फास्ट करते हैं। नेक भी हमारा स्मूथ हो चुका है। स्मूथ होने के बाद देख लो पहले से कैसे बेटर हो गया है हमारा फेस, पहले कैसे था अभी कैसे। तो उसको टूल्स डन करने को टूल्स में जाना है। देख आ जाते हैं फिर टूल्स में जाते हैं। टूल्स में जाकर पोर्टल को, पोर्टल में जाने के बाद फिर स्मूथ को फुल कर लेते हैं। फिर स्पॉट लाइट को स्मूथ करते हैं। फिर आई के लिए आई क्लैरिटी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। डन करते हैं यहाँ से। उसके बाद देखो पहले कितने बेटर उसको उसको व्यू एडिट करके अपने हिसाब से अप्लाई करना है। जहाँ जहाँ पे आपको स्मूथ चाहिए वहाँ पे क्लियर करना है आपको। हाँ आई और ये हेयर बचा के आपको करना है क्योंकि फिर थोड़ा सा दिखने लगता है वहाँ पर जाने के बाद। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कैसे करना है। अभी हमने पूरा फेस में अप्लाई कर लिया, नेक में भी अप्लाई कर लिया। अब देखो पहले से, पहले और अभी का डिफरेंस देखो, है ना कमाल का बात। कोई बात नहीं, अब चलो इसका बैकग्राउंड भी इरेज कर लेते हैं। आई होप आप सबको बैकग्राउंड इरेज करना भी आता होगा। डबल में टैप करने के बाद प्लस के आइकन में टैप करो, अब जो बैकग्राउंड चाहिए वो अपलोड कर लीजिए, वहाँ पर डालिए। चलो हम ये बैकग्राउंड ले लेते हैं, फोटो ले लेना। उसके बाद फ्यू एडिट्स में जाने के बाद अपने फोटो को इरेज करना है। यहाँ पे इरेज करना है आप सबको आता होगा, वो इसे जहाँ फास्ट कर लेते हैं थोड़ा। अब जब अपना बैकग्राउंड को इरेज करें तो थोड़ा ध्यान से इरेज करें जिससे फेक ना लगे। तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इरेज बिना टाइम गवाए।
आप जितना भी बैकग्राउंड इरेज में जितना भी टाइम देंगे आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा सी इरेज होगा। हम जल्दी जल्दी कर लेते क्योंकि ज़्यादा नहीं तो लंबा बहुत लंबा ले लेगा वीडियो, लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए जल्दबाजी में हम कर रहे हैं। तो आप लोग जब वीडियो जब बैकग्राउंड फोटो इरेज करें तो थोड़ा ध्यान से करें और आराम से करें, कोई हड़बड़ी ना लें। अपना बैकग्राउंड भी इरेज हो चुका है। अगर आपको इरेज करना नहीं आता है बैकग्राउंड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलो तो अपना इरेज हो गया, अब देखिए पहले से डिफरेंट, अभी का डिफरेंट देखो अब हो गया। कंप्लीट हो चुका है, अब देखो जूम करके दिखाते हैं आप लोग को। देखो कोई भी डार्क पोस्ट नहीं रहा, फेस में कोई पिंपल नहीं है। उसके बाद फिर से आप हीलिंग में जाके जहाँ पे आपको लगता है थोड़ा है तो वहाँ पे हटा सकते हैं, अपने हिसाब से कर लेंगे। थोड़ा बहुत था मेरे वाला, मैं निकाल लेता हूँ। तो देखो पहले से अच्छा बेटर हो गया, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा देख के। अब इसको सेव कर लेते हैं अपने गैलरी में। थैंक यू एवरीवन, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना।